हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो और व्हाट्सएप में अगर आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने किसी भी रिलेटिव के साथ व्हाट्सएप में चैट करना चाहते हो या फिर फोटोज वीडियोस उसके साथ सेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसका नंबर को सेव करना पड़ेगा। अब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम बाहर घूमने के लिए गए रहते हैं और बहुत सारे हमें ऐसे अननोन दोस्त भी मिलते हैं जिनसे हम बहुत सारे फोटो क्लिक करा देते हैं। उसके बाद दिक्कत यह रहता है कि उन फोटो के हमें व्हाट्सएप में लेने के लिए हमें उनका नंबर जो है वो अपने मोबाइल में सेव करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी के भी नंबर को बिना सेव किए उसे किस तरह से आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो या फिर व्हाट्सएप में फोटोज वीडियोज जो कुछ भी आप करना चाहते हो कर सकते हो बिना नंबर को सेव किए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, ना ही कोई वेबसाइट के ऊपर जाना है, ना ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। मैं आपको एकदम जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं जिस तरीका का इस्तेमाल करके आप व्हाट्सएप में बिना नंबर सेव किए भी अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की नई नई कॉन्टेंट मैं आपके लिए रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए चलते सीधा मोबाइल होम स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आ गया अपने मोबाइल को हम स्क्रीन पे और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको व्हाट्सएप में बिना नंबर को सेव किए अपने दोस्तों के साथ चैट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, क्योंकि अगर आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है आपके स्मार्टफोन में वर्क ना करे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली ऊपर में जो सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सर्च बार के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उसके नंबर को टाइप कर देना है जिस भी नंबर से आप चैट करना चाहते हो और वो नंबर आपका सेव में नहीं है, उस नंबर को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, जिसके बाद ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया और नंबर यहाँ पे आ गया। तो पहला तरीका ये है और उसके ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप उसके साथ इजीली इस तरह से चैट कर सकते हो। तो पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। इस ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली थ्री डॉट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले किसी भी एक बंदे को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं किसी भी एक बंदे को सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको किसी को भी एक बंदे को कुछ इस तरह से करना है और यहाँ पे एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस एरो के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। एरो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हो उस ग्रुप का, आपको उस ग्रुप का इस तरह से आपको नाम दे देना है। मैं चलिए यहाँ पे हाय लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हेलो लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राइट पे क्लिक कर देता हूँ। राइट पे क्लिक करने के बाद यह ग्रुप बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप के यहाँ पे सेंटर पे आपको क्लिक करना है और जिस भी बंदे को आपने ऐड किया था उस बंदे को यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। यहाँ पे बंदे के ऊपर क्लिक करना है और रिमूव जो भी आपका नाम रहेगा वो आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और देन ओके पे क्लिक कर देना है। अब इस पर क्या होगा, आप सिर्फ आप ही बंद रह जाओगे, इस पर ग्रुप पर और भी कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, आप ही सिर्फ सिंगल रह जाओगे, इसमें और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, जिस भी नंबर को आप टाइप कर रही हो उस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से, इस तरह से उस नंबर को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपको उसे सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद कुछ इस तरह से सेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर के ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है। अब इस नंबर के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो तीन ऑप्शन आ रहा है, चैट विथ नंबर का, कॉल विथ व्हाट्सअप का और एडिक्ट कॉन्टैक्ट का। तो आपको क्या करना है, इसके साथ आपको चैट करना है। तो चैट विथ या नंबर का ऑप्शन दिखाया, बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये चैट बॉक्स खुल जाएगा, जिसके बाद आप अपने दोस्त या फिर मित्र या फिर आपके जो रिलेटिव होगा उनसे बिना नंबर का उनका सेव किए उनके साथ चैट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ बिना नंबर को सेव किए अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हो, फोटोज वीडियोस जो कुछ भी सेंड करना चाहते हो कर सकते हो। आई होप ये वीडियो सब लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा बेहतर नॉलेजबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।